भाजपा ने आगर में भी पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस को ओबीसी मामले में घेरा। भाजपा जिला अध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि जब पिछड़े वर्ग की सीटों के लिए आरक्षण मध्य प्रदेश भाजपा सरकार ने दिया था, उस पर रोक लगा दी गई। कांग्रेस ने हमेशा से ही पिछड़े वर्ग के लोगों को छला है और उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले तो आज आगर जिले में जो प्रेस वार्ता में आप सब बता रहे हैं, आप सबको नमस्कार। कांग्रेस के षड्यंत्र में से लगी ओबीसी आरक्षित सीटों पर रोक, भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च न्यायालय और उसके आदेश का सम्मान करते हुए उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, और किंतु जिस परिस्थिति में यह आदेश हुआ उसके विषय प्रदेश के जनता को मालूम होना चाहिए। जिस प्रकरण में ओबीसी आरक्षित पदों का चुनाव रोका गया है उसके पैरवी कौन कर रहा है? विवेक तनखा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, ये जो पंचायत चुनाव से संबंधित एक याचिका उच्च न्यायालय में मनमोहन सिंह नागर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। क्या याचिका प्रस्तुत की गई है, थोड़ा उसका डिटेल बताओ। पिछड़ा ये जो मोर्चा पिछड़ा मोर्चा के जो लोग हैं सबसे पूरे देश में सबसे जो ज्यादा हैं तो ये ओबीसी के लोग हैं। उसमें मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं इसमें जो आरक्षित सीटें जो हैं उसमें इन्होंने जो कांग्रेस ने ये जो एक कांग्रेस का षड्यंत्र है कि कैसे भी करके चुनाव नहीं होना चाहिए, इस चुनाव को पिछड़े ओबीसी के लोगों को वंचित रखना, तो ये पिछड़े में जो सबसे ज़्यादा इस मध्य प्रदेश में है तो ओबीसी के लोग हैं। ये जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के जो हम विरोध करते हैं इनका कांग्रेस का कि ये जो आपका षड्यंत्र भाई जो मध्य प्रदेश में जो हम न्यायालय का तो पालन हमको न्यायालय का जो है उसका पालन तो करना ही है। मेरा ये सवाल है कि क्या याचिका लगाई गई थी कांग्रेस द्वारा, किस बात को लेकर याचिका लगाई गई थी वो तो बताओ। कांग्रेस ने जो याचिका लगाई थी कि भाई ये जो सभी में परिसीमन होना चाहिए उसके साथ परिसीमन के साथ साथ उनका आरक्षण भी होना चाहिए। अगर उसने ये बता रहे कि हमने यही रोक लगाई थी, हमने ये रोक नहीं लगाई कि पिछड़े वर्ग के लोगों को वंचित रखें। अगर ऐसा है तो अगर उनको जानकारी है कि हमने ये रोक नहीं लगाई तो उनका आवेदन वो वापस देना था। नहीं, उनने जो याचिका लगाई थी वो रोटेशन को लेकर लगाई थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो पिछड़ा वर्ग को लेकर दे दिया। इसमें कांग्रेस को क्या फायदा ये बताओ कि अगर पिछड़ा वर्ग को अगर रखेंगे वंचित तो इससे कांग्रेस को क्या फायदा मिलेगा? कांग्रेस को फायदा नहीं तो उन्होंने क्यों लगाई? उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं लगाई, उनका कहना है कि उन्होंने उसके लिए नहीं लगाई, उन्होंने रोटेशन को लेकर लगाई। नहीं, ऐसा नहीं भाई, आपके भी कागज में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि पिछड़ा वर्ग के लिए कोई याचिका लगी थी। आपका अगर पिछड़ा वर्ग के लिए आपने रोक नहीं लगाई तो आपने जो रोक लगाई थी उसमें अगर आपको मजिस्ट्रेट ने अगर फैसला किया तो उसमें आपको मना कर देना था, आपकी याचिका वापस लेना थी। तो आज हमारे जो सभी ओबीसी के लोग हैं ये इनको सभी चुनाव में इनकी सभी भागीदारी हो जानी थी। तो इसमें तो कांग्रेस ही भी और बीजेपी वाले भी पिछड़ा वर्ग में तो दोनों को नहीं, बीजेपी का कैसे है? बीजेपी ने थोड़ी रोक लगाई, बीजेपी थोड़ी गई कोर्ट में, कोर्ट तो अरे रोक तो दोनों पे लगी ना, रोक तो बीजेपी वालों पे भी लगी, कांग्रेस वालों पे भी लगी, पिछड़ा वर्ग पे लगी। इससे कांग्रेस को क्या फायदा हुआ ये बताओ, कांग्रेस ने क्या फायदा हुआ? कांग्रेस ने जो षड्यंत्र रचा वो क्या षड्यंत्र था? नुकसान ओबीसी का हुआ है, कांग्रेस को फायदा हुआ नुकसान हुआ। जितने ये विरोधी हैं ओबीसी के जितने भी लोग हैं उसकी कांग्रेस विरोधी है, ये हमने तो ये मान ली ओबीसी की विरोधी है कांग्रेस, आप कहेंगे ना। और ओबीसी के आरक्षण को रोकने के लिए याचिका लगी थी, ओबीसी को रोकने के लिए याचिका लगी थी। अगर आप कह रहे हो कौन कह रहा है कि अगर ओबीसी को रोकने के लिए हमने याचिका तनखा दी याचिका नहीं लगाई तो फिर जिस टाइम पे अगर फैसला आ रहा था तो उस टाइम पे उनको बोलना था कि भाई हमने याचिका नहीं लगाई, हमारा आवेदन हम वापस दे रहे हैं। फैसले के टाइम कैसे बोल सकता है? अरे भाई उनको जानकारी थी, पहले से जानकारी थी, उन्होंने बाद में आपत्ति दर्ज करवानी थी, सरकार की तरफ से आपत्ति दर्ज हुई।
सरकार ने विरोध करा, सरकार ने आज सरकार ये कह रही है कि हम किसी भी कंडीशन में पिछड़ा वर्ग का चुनाव कराएं। उस समय जब फैसला आया तब सरकार ने कोई आवेदन लगाया सुप्रीम कोर्ट में के साथ ये फैसले का पुनर्विचार करें? क्या लगा था सरकार की तरफ सुबह? देखिए कांग्रेस है ना चुनाव में जाने से डरती है, एक चीज तो ये कि कांग्रेस इतनी मजबूत बची नहीं है कि वो पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सामना कर पाए, तो चुनाव रोकने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। इसी के तहत वो कोर्ट जा रही है, वापस आरक्षण कराओ, रोटेशन लाओ। ये तो दलित वर्ग के विरोध में जब ये तो दलित चुनाव है ही नहीं, इसका तो भाजपा कांग्रेस का चुनाव का है ही नहीं, ये तो ये दलित चुनाव नहीं है, ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। हाँ तो ये इसका दल से तो कोई लेना देना ही नहीं। आप कह रहे हो कि भाजपा का विरोध कर रही है, भाजपा से लड़ना नहीं चाहती, भाजपा से नहीं लड़ना चाहती, इसमें कहां भाजपा लड़ रही है? की जो जन कल्याणकारी नीतियां जो माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज जी जो जमीन तक पहुंचा रहे ना, उससे भयभीत होकर कांग्रेस चुनाव के मैदान में उतरने से डर रही है। इसी कारण वो बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है कि किसी न किसी तरीके से चुनाव रुक जाए, और जब हम मजबूत स्थिति में वो आना चाहती हो, जब मजबूत स्थिति में आ जाए तो वो चुनाव में जाएगी। अभी कांग्रेस की ताकत नहीं है कि वो अभी चुनाव मैदान में जाए, इसलिए वो बार बार कोर्ट जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि हम पिछड़ा वर्ग के समर्थन में सरकार चाहे, तो फिर पिटीशन दायर करे नहीं कांग्रेस? फिर तनखा जी ने जो वो आया फैसला उसके बाद उन्हें रोक क्यों नहीं लगे? उनके लिए उन्हें खुला मानना है कि हम चुनाव मैदान में नहीं जा सकते, इसलिए वो बार बार कोर्ट जा रही है।